मित्रों, आपके अपने चैनल यूट्यूब आर्ट गुरु में स्वागत है। मैं बीरेंद्र मौर्य। मित्रों, आपकी तैयारी पूर्ण हो गई होगी। परीक्षा के अंतिम समय के लिए 50 प्रश्नों का एक सीरीज लेकर आया हूँ। प्रश्नों में सही का निशान नहीं लगाया हूँ, जिसे आप लास्ट तक अवश्य देख लीजिए और साथ साथ सॉल्व कर लीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर एक। अमन गुलाटी, जो भारत के नौजवानों के लिए विश्व की सबसे बड़ी राखी तैयार की, किस जनपद के हैं? लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ। तो सही ऑप्शन आपका लखीमपुर खीरी है। नंबर दो, मिथिला महिला कलाकार का नाम बताइए जिसे 2019 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। यशोदा देवी, गोदावरी दत्ता, एक और दो, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका नंबर एक, यशोदा देवी। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो सही ऑप्शन आपका झारखंड। अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया किस देवता से संबंधित है? विष्णु, लक्ष्मी, सूर्य, इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका नंबर एक, विष्णु। ज्योति भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ? नंबर एक, 3 मार्च 1930 काटन ग्रीन मुंबई, 12 मार्च 1934 भावनगर बड़ोदरा, 10 मार्च 1940 पूना महाराष्ट्र, इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर दो, 12 मार्च 1934 भावनगर बड़ोदरा में। कौन सी कला अर्थ प्रधान कला है? संगीत कला, रूप कला, नृत्य कला, काव्य कला। तो सही आपका ऑप्शन है नंबर चार, काव्य कला। गांधी फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय शांत पुरस्कार से किस कलाकार को नवाजा गया है? बुल्लू इमाम, डॉक्टर उर्मिल कुमार, हरियल लाल मेत, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा बुल्लू इमाम। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुल्लू इमाम। किस आधार पर काव्य को कला माना जाता है? अर्थ उत्पत्ति, रूप उत्पत्ति, ध्वनि उत्पत्ति, रस उत्पत्ति। तो सही ऑप्शन आपका नंबर चार, रस उत्पत्ति। कला का बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है क्रोचे, अरस्तु, रस्किन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका नंबर एक, क्रोचे। अब्दुल गफ्फार खत्री जाने जाते हैं रोगन पेंटिंग, आर्ट फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका करंट क्वेश्चंस है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये इसमें सही ऑप्शन आपका रोगन पेंटिंग है। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृत, अभिव्यक्त, प्रमाण, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका नंबर एक, अनुकृत। दमित भावनाओं का रूप कला है? फ्रायड, हीगेल, रस्किन, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर एक, फ्रायड। अनूप शाह का जन्म कब और कहाँ हुआ? 23 जनवरी 1956 उत्तराखंड, 3 जनवरी 1926 उत्तर प्रदेश, 10 जनवरी 1946 बिहार में, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका 23 जनवरी 1956 उत्तराखंड। कलाकार फयाज अहमद जाने जाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क के लिए, प्रिंट मेकिंग के लिए, रोगन पेंटिंग के लिए, इसमें से किसी के लिए नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर एक, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। अनुकरण का सर्वाधिक महत्व है? संगीत कला, मूर्त कला, चित्रकला, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर तीन, चित्रकला। आधुनिक कला में अनुकरण के बिना भी चित्र रचना हो सकती है, जिसे कहा जाता है सूक्ष्म कला, उत्कीर्ण कला, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन नंबर एक, सूक्ष्म कला। चित्रसूत्र का संबंध है विष्णु धर्मोत्तर पुराण से, नाट्यशास्त्र से, कामसूत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका नंबर एक, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसकी कृत है? एएच बैंड्रिक, पीगॉट, रंधावा, इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर एक, एएच बैंड्रिक। महत्वपूर्ण प्रश्न ये आगे, 2019 पद्मश्री पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया? डॉक्टर उर्मिल, ज्योति भट्ट, किरणधर, रणवीर सिंह। तो सही ऑप्शन नंबर दो, ज्योति भट्ट। प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक स्टुअर्ट पीगॉट। पालकली की रेखाओं में संगीतमय प्रभाव है, पियता माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई मूर्ति है, कारवां आर्टिस्ट ग्रुप गोरखपुर में है। राम बहादुर द्विवेदी ने चौरी चौरा के इतिहास कांड पर चित्रांकन किया। नवशास्त्रीवाद को जागदावित ने जन्म दिया, जिसकी कृत मिनर्वा की विजय है। सूरजमुखी का फूल वान गो का है। 27 नंबर देखें, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? नंबर एक, कमलापत त्रिपाठी, नंबर दो, हालदार, नंबर तीन, राकेश दास, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका होगा नंबर एक, कमलापत त्रिपाठी। आगे 28 नंबर,
पंचमढ़ी किस पहाड़ी में स्थित है? महादेव की पहाड़ी, कबरा पहाड़, कैमूर पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका नंबर एक महादेव की पहाड़ी। भीमबेटका किस रेलवे स्टेशन के नज़दीक है? उपदिल्लागंज, भोपाल, मानिकपुर, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका नंबर एक उबैदुल्लागंज। नंबर 30 भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य धर्मयुग साप्ताहिक में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? बीरेंद्रनाथ मिश्रा, वाकड़कर, पीगाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन बीरेंद्रनाथ मिश्रा। भीमबेटका की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? बीएस वाकड़कर, वासुदेव, पीगाट, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका नंबर एक बीएस वाकड़कर को। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ भित्ति चित्रों से, शिला चित्रों से, पोथी चित्रण से, इनमें से कोई नहीं। नंबर दो सही होगा, शिला चित्रों से। एडवांस डिजाइन क्लास की स्थापना हुई थी कलकत्ता स्कूल, मुंबई स्कूल, एक दो दोनों मद्रास स्कूल। तो इसमें सही ऑप्शन आपका होगा नंबर एक कलकत्ता स्कूल। 34 नंबर गोदावरी दत्त का जन्म कहाँ और कब हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दरभंगा बहादुर बिहार 1930 में, पटना बिहार 1910 में, जिला गया बिहार 1915 में, चार इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका नंबर एक दरभंगा बहादुर बिहार 1930। बहादुर बिहार, बहादुर उनका ग्राम था बिहार प्रदेश। 35 नंबर होशंगाबाद किस नदी एवं किस पहाड़ी पर स्थित है? पंचमढ़ी चंबल नदी, आजमगढ़ नर्मदा नदी, कबरा पहाड़ सोन नदी, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका नंबर दो आजमगढ़ नर्मदा नदी पर। 36 नंबर ऋषिमूलक पर्वतमाला प्रागैतिहासिक साक्ष्य खोजने का श्रेय प्राप्त है? ऋषिमूलक पर्वतमाला मार्शल को, एफ फास्फेट को, अलचिन दंपत को, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका नंबर तीन अलचिन दंपत। सिंधु सभ्यता की धातु मूर्तियों में महत्वपूर्ण कलात्मक मूर्ति है? मोहनजोदड़ो की कांस, मोहनजोदड़ो की मानव, कालीबंगा का वृषभ, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका नंबर एक मोहनजोदड़ो की कांस मूर्ति। 38 नंबर केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष चुने गए? महत्वपूर्ण प्रश्न, शारदा चरण वकील, एम एफ हुसैन, डी पी राय, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका नंबर तीन डी पी राय। हड़प्पा की खोज 1921 में किसके द्वारा की गई? राखल दास, दयाराम साहनी, एन जी मजूमदार, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका नंबर दो दयाराम साहनी। अकबर के काल में सर्वाधिक कलाकारों की संख्या थी हिंदू कलाकार, हिंदू चित्रकारों की, भारतीय मुसलमानों की, फारसी चित्रकारों की, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर एक हिंदू चित्रकारों की। 41 नंबर मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बना? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा आपका नंबर दो जहांगीर। मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ पशुपक्षी चित्र किसके काल में बने? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका होगा नंबर तीन जहांगीर। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? जहांगीर, अकबर, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका नंबर दो अकबर। बड़ौदा के कीर्ति मंदिर एवं विज्ञान मंदिर कलकत्ता में किस चित्रकार ने भित्त चित्र बनाए? नंदलाल बसु, आशित कुमार हल्दार, गगनेन्द्र दत्त, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका होगा नंबर एक नंदलाल बसु। मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सहयोग से हुआ? नंबर एक राजस्थानी एवं ईरानी, ईरानी एवं बंगाली, बंगाली एवं राजस्थानी, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका होगा नंबर एक राजस्थानी एवं ईरानी। 19वीं सदी के विज्ञापन का पितामह किसे कहा जाता है? बेंजामिन फेकलिन को, चार बेबेज को, माइकल एंजेलो को, इनमें से किसी को नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर एक बेंजामिन एवं फेकलिन को। साउथ कैंगिस्टन में अकबर के हस्ताक्षर युक्त प्रति है? अकबर के शासनकाल के चित्रकार के गुणों की आलोचनात्मक परीक्षण के लिए पर्याप्त है किसने लिखा? स्मिथ, पर्सी ब्राउन, हेवेल, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका नंबर एक स्मिथ होगा। आधुनिक भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान प्रारंभ होता है बंगाल शैली से, मुगल शैली से, अभ्रंश शैली से, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा नंबर एक बंगाल शैली। अवनिंद्र द्वारा भारत माता का चित्रण कब किया? दांडी यात्रा के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, बंगाल विभाजन के समय, नंबर चार, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका होगा नंबर तीन बंगाल विभाजन के समय। आगे 50 नंबर
आईफैक्स द्वारा निकाली आईफैक्स द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका है रूपलेखा, कला संवाद, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका होगा रूपलेखा। तो मित्रों, आप कल की परीक्षा के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।